एक समय था जब हिमाचल प्रदेश के शिमला, मंडी, कुल्लू घाटी, सिरमौर और कांगड़ा जिला में एक बड़े क्षेत्रफल में औषधीय गुणों से भरपूर लाल चावल की खेती होती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों में नई किस्मों के आने से किसानों ने इस किस्म की खेती कम कर दी थी। लेकिन विलुप्त होने की कगार पर पहुंची लाल चावल की फसल अब फिर से लहलहाने लगी है। आज बात करते हैं जिला शिमला से 150 किलोमीटर दूर छोहारा क्षेत्र के पेजा गांव की, जहां पर ऐसी किस्म का लाल चावल यानी छुहार टू उगाया जाता है, जो पकने के बाद थाली में तेल छोड़ता है। इस चावल का नाम स्थानीय लोगों ने ही छुहाटू रखा है। ये चावल 450 रुपए प्रति किलो में बिकता है। जनवरी 2022 में केंद्र सरकार की ओर से लाल चावल की खेती का संरक्षण करने के लिए दिल्ली में भारत सरकार के पौध किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण प्राधिकरण के सौजन्य से इलाके के किसानों को पादप जीनोम संरक्षण समुदाय पुरस्कार मिला था। किसानों को इस पुरस्कार के रूप में 10 लाख रुपए की इनामी राशि भी दी गई थी। पेजा गांव के कयार से पैदा किए जाने वाला छुहाटू नामक लाल चावल की खेती सिंचाई पर निर्भर करती है। इसकी सिंचाई चांचल की गोद से निकलने वाले पेजोड़ खड्ड से होती है। ये पानी चांचल घाटी में मौजूद स्वास्थ्य वर्धक जड़ी बूटियों से गुजर कर आता है। वहीं चावल की किस्म को खास बनाने में यहाँ की मिट्टी की किस्म भी काफ़ी अहम रहती है। पेजा गांव में आज के आधुनिक दौर में भी खेती अधिकतर पारंपरिक तरीके से ही की जाती है। आज भी धान को अधिकतर पटकने की प्रणाली से ही निकाला जा रहा है। मशीनों का प्रयोग यहाँ ना के बराबर होता है। लाल चावल पोषक तत्वों, आयरन, जिंक, विभिन्न विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इसे खाने से दिल की बीमारियां दूर होती हैं। महिलाओं के गर्भावस्था और अन्य रोग से लड़ने में ये काफ़ी ज़्यादा सहायक माने जाते हैं। लाल चावल की किस्मों की बात करें तो यहाँ पर छुहाटू, सुकारा तियान, लाल जिन्नी, जतू और मटाली जैसी धान की किस्मों की खेती होती है। इसमें पेजा की छुहाटू किस्म सबसे बेस्ट मानी जाती है।